खबर सिलवानी से है, जहां नागरिकों के विरोध पर दूसरी जगह दुकान खोलने की बात प्रशासन ने कही है। सिलवानी में शराब ठेकेदार द्वारा नगर के सागर रोड लाल घाटी के पास शराब की दुकान खोली गई थी, जिसको लेकर एक दिन पूर्व नागरिकों ने ज्ञापन देकर उक्त दुकान हटाने की मांग की थी और आज स्थानीय लोगों द्वारा जाम लगा दिया गया। सिलवानी में इसका क्या कारण था? लेकर शॉप स्थानांतरित की जा रही थी यहाँ पे, और महिलाओं का ये कहना था, चयन महिलाएं हैं, उनका ये कहना था कि घर के सामने जो है वो दुकान स्थानांतरित की जा रही है। इस संबंध में एक्साइज ऑफिसर से मेरी बात हुई और उनके द्वारा कहा गया है कि जहाँ पर दुकान अभी प्रस्तावित थी वहाँ पर नहीं लगाई जाएगी, इसी अन्य स्थान का चुनाव किया जाएगा। सुबह 11 बजे सैकड़ों लोग एकत्रित होकर शराब दुकान पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए शराब दुकान का विरोध किया। सूचना मिलते ही एसडीएम संघमित्रा बौद्ध, एसडीओपी एन गोयल, थाना प्रभारी माया सिंह पुलिस बल के साथ स्थल पर पहुंचे और शराब ठेकेदार को बुलवाया, जहां पर जाम लगा रहे लोगों से चर्चा की और एसडीएम ने आश्वासन दिया कि शराब दुकान यहाँ से हटाकर अन्य स्थान पर खोली जाएगी। प्रशासन की बात मानते हुए लोगों ने जाम हटा दी, जिससे आने जाने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। शराब दुकान सीएमओ रोड पे इस जगह नई शराब दुकान खोली जा रही है, यहाँ पर पंचायत में पड़ता है, पंचायत भी अलग है और रहवासी क्षेत्र पड़ता है, अलग से स्कूल भी है, तो उनकी एहतराज को हमें करने का है करके अभी फिलहाल तो यह आश्वासन दिया है कि ये जगह दूसरी चिन्हित की जाए और वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर साहब के तरफ से करा दिए गए नई जगह।